अगर हो इंदौर में और खाना है पानी पूरी, छोले टिकिया, हॉट डॉग, तो आपको ना बहुत ही बढ़िया सी जगह मिलती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में खाऊगली लगती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और पिछली बार हम लोग यहाँ पर आए थे, बट वो आने के बाद क्या लॉकडाउन लग गया था तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे, मेनली पानी पूरी जो है और दही पूरी जो है उस पर फोकस रखेंगे। और यहाँ पर जो पानी पूरी मिलती है ना, वो मिलती है अपने जो सूजी के बतासे रहते हैं ना उसके अंदर, सूजी के बतासे हमने महू में भी खाए थे, तो जल्दी से यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं। बताया कि ये भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में जो खाऊ गली, यहाँ पे अलग अलग दुकान लगती है जहाँ पे आपको सूजी के बतासे, दही पूरी, पानी पूरी, यहाँ पे चिकू भैया मिलता है अपने को बढ़िया सा दही वड़ा भी। तो अभी हम लोग अंदर जाते जा रहे हैं, लाइन से बहुत सारी दुकान है, 5-6 दुकान है, उसमें से एक हमारी थोड़ी भैया की पहचान वाली दुकान है जहाँ पिछली बार आए थे तो खाया था, तो भैया से अच्छी बातचीत है। तो ये है नंबर 1 लाला चार हजार मथुरा वाले भैया, यहाँ पे मतलब जो एक टेस्ट है ना वो लगता है बहुत अच्छा है। लाइन से सारी दुकान है, बहुत अच्छा टेस्ट है। पास में आपको बताऊँ रेफरेंस गुरुद्वारा भी है, ये अपना एमजी रोड मेन रोड है टूवर्ड अपना ब्रिज रिगल का जो ये वहाँ जाता है। अब जल्दी से अपन देखते हैं क्या क्या लगवाते चिकू भैया का, तो फिक्स है कि दही पूरी खाना ही है उनको। इस बार कुछ नया देखते हैं, दही बड़ा कैसे बनाते हैं यहाँ पे वो देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोले टिकिया है, बोर नहीं करता, जल्दी से दिखाते मेकिंग और खा के बताते कैसा है टेस्ट। तो जो मैंने बात करी थी यहाँ पर पानी पतासे तो बहुत फेमस ही है, जैसे कि सूजी के पतासे के अंदर बहुत बढ़िया सा आलू भरते हैं, मीठी चटनी डालते हैं, और ये तो शायद सूखी मिल रही है या फिर आखिरी वाला पतासा मिल रहा है जो कि दही वाला रहता है अपना बढ़िया सा, एकदम दही के अंदर बर्फ, एक बार देखोगे तो बर्फ भी आपको दिखेगी यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया से पतासे यहाँ पर मिलते हैं आपको। और या क्या बात है, इंदौर की शान, यहाँ पर सेव भी आ चुकी है इसके ऊपर। अभी मिक्कू यहाँ पर पानी पूरी खा रहा था, बट मैंने बोला यार मिक्कू एक बार जो सूजी वाला है ना इसको भी मैं ट्राई करना चाहूंगा एक बार। सूजी वाला यूजुअली दही पूरी के साथ खाया जाता है, पानी पूरी बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, उसमें से एक ही चिकू भैया, और ये बहुत सारे लोग जो इसको डाल देते हैं, पर इसको पानी का टेस्ट बेस्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये बनने जा रहा है अपना बढ़िया सा दही वड़ा। ये भैया ने वड़ा लिया, वड़ा जो रहता है बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो ये दाल का बनता है। ये आ गया वड़ा प्लेट के अंदर, अब इसमें क्या क्या आएगा भैया? बूंदी भी आती है। अच्छा बूंदी भी आएगी, अरे वाह। अच्छा इधर चीकू भैया ना रील ले रहे हैं जो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे @indori_chatore, तो आप फॉलो करना इंस्टाग्राम पे और रील देखना आपको मजा आएगा। ये क्या क्या मसाले आते हैं भैया इसमें? ये जीरावंड है, जीरावंड, ये खोबा जी की लाल मिर्ची है। किसकी? खोबा जी की, खोबा जी की लाल मिर्ची, वाह यार। ये दही आ गया बढ़िया सा, एकदम क्रीमी दही बोल सकते हैं इसको। ये काली मिर्ची वगैरह है कुछ? काली मिर्ची, जीरा पाउडर, हाँ, और ये लाल चटनी, अय है, 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 है। ये बढ़िया सा दही वड़ा रेडी हो गया है। चिकू भैया इसको तो आप ही खाओगे? हाँ बिल्कुल। तो ये मेरे सामने आ चुका है बहुत ही बढ़िया सा, एकदम ठंडा ठंडा मैं बोलूँगा तो दही वड़ा। तो जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं अपन। ठंडा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो दही है, दही के अंदर डली हुई है एकदम बढ़िया सी बर्फ, और इतनी गर्मी में आपको है ना सर्वाइव करने के लिए थोड़ा बहुत ऐसा ठंडा दही तो चाहिए रहता है। अच्छा एक मेंशन और करना चाहूँगा, जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है कि चीकू भैया का नाम तन्मय है और मेरा नाम मिहिर है मिक्कू का, तो कभी आपको नहीं पता हो तो आप याद रखिएगा। यार मिक्कू, जैसे कि मैंने मेंशन किया है, तुमने भी स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि मैं आपकी दही पूरी बहुत ज़्यादा प्रिफर करता हूँ एज कम्पेयर टू पानी पूरी, बट जो दही पूरी के अंदर जो मेन टेस्ट रहता है ना एक्चुअल में अपने को रखता है दही का, दही बहुत ही बढ़िया है, ठंडा है, मीठा है, और जैसे कि तुमने मेंशन किया था एकदम क्रीमी दही है। अगर आ रहे हो दही वाला पसंद है तो ये जो वड़ा है ना, ये वड़ा भी एकदम बहुत ज्यादा फ्रेश है, तो जल्दी से इसको टेस्ट करेंगे अपन। आप जब भी आओगे तो जल्दी से यहाँ पर ना ये वीडियो देखोगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ का आपको क्या चीज पसंद है और यहाँ पर क्या चीज खाने आओगे बन रहा अपना बढ़िया सा हॉट डॉग, उसके लिए जो है बन कट रहा है, उसको रखेंगे तवे पे। ये आई उसके ऊपर लाल चटनी,
और एक तरफ हरी चटनी। लाल और हरी चटनी का तो ऐसा कॉम्बिनेशन है मतलब आपको सिर्फ इंदौर में नहीं पूरे देश में कहीं भी चले जाओ मिलेगा। यह है बढ़िया से छोले आए है, ये आ गई सेव, ये कुछ मसाले हैं इसके ऊपर, ये पनीर है जी। ये आ गए प्याज, अगर आपको प्याज पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया मुझे प्याज पसंद है। ये आई आलू की टिक्की, बढ़िया सी है एकदम क्रिस्पी दिख रही है वो। और इधर ये होगा फ्राई, सामने आ चुका है पनीर हॉट डॉग। और आप इसको देखोगे ना तो आपको मुंह में पानी आ ही जाएगा, भले आपने कितना भी कुछ भी खाया हो पर ये खाने का मन तो करेगा ही करेगा। तो इसकी जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़। जल्दी से मैं इसको टेस्ट करता हूँ। अब बढ़िया बकायदा उसमें पनीर भी देख सकते हो, है है है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मतलब ये जो स्ट्रीट है ना खाऊ गली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली, ये इंदौर में ऐसा है कि यार मतलब इसका एक अलग क्रेज है लोगों के लेके इसके टेस्ट को लेके। एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, जब भी मैं हॉट डॉग खाने कहीं पर भी जाता हूँ ना तो मेरे को एक दिक्कत हमेशा होती है कि दो पीस करके दे देते हैं तो एक एक पीस खाना में आधी चीज़ें तो बाहर गिर जाती है। यहाँ चार पीस बकायदा करके दिए हैं, सबको इक्वली हिस्सा मिलेगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है यार। तो अब ये बनने जा रही है अपनी बढ़िया सी खस्ता चाट। तो खस्ता हिसाब सबको पता है ये मैदे का होता है, इसमें आती है बढ़िया सी चटनी वगैरह आती है, मैंने कभी खाया नहीं, भैया बनाएंगे अभी, आप देखो कैसे बनाते हैं। ये आई इसमें बूंदी, ये लाल चटनी आ गई बढ़िया सी, हरी चटनी भी आती है जी। ये कुछ बढ़िया से इनके मसाले आ गए हैं यहाँ पे, लाल मिर्ची पाउडर आ गया, जीरा पाउडर आ गया, हमारे घर के इजी मसाले बने रहते 16 प्रकार के, जीरा बंद वगैरह 16 प्रकार के मसाले जी। अरे वाह, एक पानी की बॉटल। ये आ गई बढ़िया सी हरी चटनी, इसमें प्याज भी आता है? प्याज भी आएगा ना फिर। अच्छा प्याज भी आएगा, बोलने वाला था कि इसके ऊपर सेव डल जाए तो भैया मजा आ जाएगा। बाल बारीक सेव इंदौर में कहीं नहीं मिलती, बाल बारीक सेव, बारीक सेव तो खाइए, ये बाल बारीक सेव है। ये आ गया इसके ऊपर प्याज बढ़िया से, और ये जो अपनी खस्ता चाट की प्लेट है ये हो चुकी है रेडी। तो मेरे हाथ में आ चुकी खस्ता चाट, और मेरे को एक चीज़ समझ आई, मतलब भैया ने रखे थी कि इसको चम्मच क्यों रखे दिया, क्योंकि मैं तो इसको हाथ से ही खाने वाला हूँ सीधा ऐसा उठा के। मतलब इसके अंदर आपको दो प्रकार की चटनियाँ मिलेगी, सेव मिलेगी, दही मिलेगा, मसाले मिलेंगे, प्याज मिलेगा, एकदम चटपटा टेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी प्राइस क्या भैया? 35 रुपीज़ की प्लेट है। अगर आप सिंगल पर्सन आते हो आप एक प्लेट लोगे आपको मज़ा आ जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पूरी खाऊ गली के नाम से फेमस है। और लोग हो गया पानी पता से हो गया, क्योंकि दही पूरी तो खाई नहीं अपन ने, दही वो तो हम कभी भी आते जाते खा लेते हैं। हाँ वो मैं वही बोलने वाला था कि दही पूरी क्या आते जाते कभी भी खाते रहते हैं अपन, तो वो बताने से सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि पिछली बार भी बताया था। बिल्कुल सही है। तो ये खस्ता चाट है ना बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि 100 रुपये में आपको अपना पेट भरना है, ये गली में आओ आराम से पेट भर लोगे, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है। इसने उसका ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। मेरे को सुनो ये दही कैसे आया यार यहाँ पे? ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई जिसके पीछे।